अच्छा, जब LGBTQ कम्युनिटी की परेड होती है तो आपने देखा होगा कि वहाँ ये रेनबो फ्लैग होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि यही क्यों? क्योंकि इस झंडे की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। देखो, 1970s के टाइम पे जब प्राइड परेड्स होती थी तो उसमें ये पिंक ट्रायंगल यूज होता था एज अ सिंबल, लेकिन इस ट्रायंगल की एक डार्क हिस्ट्री थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे उनमें कुछ गे ज्यूज के कपड़ों पर नाजीज इन्वर्टेड पिंक ट्रायंगल लगाते थे जिससे उनको वो लेबल कर पाए। तो हुआ क्या कि अमेरिका के जो फर्स्ट ओपनली गे पॉलिटिशियन थे हार्वी मिल्क, उनको इस हिस्ट्री से प्रॉब्लम थी। उन्होंने अपने डिजाइनर दोस्त गिलबर्ट बेकर से बोला कि एक नया सिंबल बना के दो भाई। तो गिलबर्ट बेकर ने 1978 के गे फ्रीडम परेड में लॉन्च किया ये रेनबो फ्लैग। और इस झंडे के पीछे आइडिया ये था कि इसके अलग अलग कलर LGBT कम्युनिटी की जो डायवर्सिटी है उसको सिंबलाइज करें। फॉर एग्जांपल, हॉट पिंक फॉर सेक्स, रेड फॉर लाइफ, ऑरेंज फॉर हीलिंग, येलो फॉर सनलाइट, ग्रीन फॉर नेचर, टर्कोइज फॉर आर्ट, इंडिगो फॉर सेरेनिटी एंड वायलेट फॉर स्पिरिट। फिर ओवर टाइम इसमें पिंक और टर्कोइज कलर प्रैक्टिकलिटी की वजह से हटा दिए गए और आज ये 6 रंगों वाला झंडा LGBTQ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।